हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए तीन डाको स्टॉक लेके आया हूँ, जो आप कल से यानी मंडे से अगर वो लेवल पे मिलते हो तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो। और इसमें रिस्क है वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन रिवॉर्ड मिलेगा तो वो 1x 2x का होगा। और इसमें टाइम ओरिजन रहेगा वो 3 से 12 महीने का रहेगा। तो आप डाकोस अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। उससे क्या होगा, ये मोमेंटम स्टॉक होते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। आपके पोर्टफोलियो में ब्लू चिप स्टॉक तो होने चाहिए, लेकिन वो बहुत स्लो मूविंग होते हैं, साल के 10-15% मूव करते हैं। ये स्टॉक होते हैं 1x 2x का मूवमेंट देते हैं, और ये प्योरली प्राइस एक्शन के ऊपर है। इसमें फंडामेंटल कुछ लेना देना नहीं है, तो वो आप ध्यान में लेके चल सकते हो। इसमें मैंने फंडामेंटल कंपनी का कुछ चेक नहीं किया, मैं प्राइस एक्शन के ऊपर ही आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसको मैं आपको स्टॉप लॉस लेवल भी बता रहा हूँ, ताकि वो लेवल आए तो आप उसमें से एग्जिट भी कर सकते हो। तो जो लोग नए हैं तो गाइज, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको हर तरह के ट्रेड मिलते रहेंगे। इंट्राडे ट्रेड भी देता हूँ। ये मोमेंटम स्टॉक होते हैं। मोमेंटम स्टॉक यानी जो आपने देखा होगा कि मार्केट में रोज बहुत सारे स्टॉक में 10-20% की सर्किट लगती है, तो ऐसे स्टॉक होते हैं। तो आप ये भी ट्रेड ले सकते हो अगर आप मोमेंटम ट्रेड करना चाहते हो। इसमें 2% का स्टॉप लॉस होता है, और टारगेट रहता है वो पहला 6% का और 12% का रहता है। तो इसमें मैंने दिया था मंडे को एक नितिन स्पिन नाम का स्टॉक दिया था, 197 पे दिया था। उसमें मैं टारगेट 12% का बुक किया था 221 पे, लेकिन वो स्टॉक 250 चला गया है, चार मतलब मंडे टू फ्राइडे में 197 to 250 चला गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मोमेंटम स्टॉक बहुत अच्छे होते हैं अगर आप ट्रेल करके चलोगे तो। भले इसमें स्टॉप लॉस होते हैं, 4-5 में स्टॉप लॉस भी हो गए थे, लेकिन आप कैलकुलेशन करोगे तो 4-5 में स्टॉप लॉस हो जाएंगे, लेकिन 1-2 में भी रिवर्ड आएगा तो आपको मतलब मंथली आराम से 5 से 7% के प्रॉफिट में रहेंगे। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि इंट्राडे में प्रॉफिट नहीं होता, अगर आप करना चाहते हो तो ये मेरे वीडियो देख सकते हो। इसमें मैं एक्सेल शीट के ऊपर आपको समझाता हूँ कि लास्ट वीक कौन से मतलब क्या मतलब पूरा ट्रेड एंड लॉग आपको समझाऊंगा, एक एक नंबर से लेके जितना ट्रेड कर रहे हैं उसका प्लस माइनस के हिसाब से, तो अपने को आइडिया आएगा कि प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। उसके अलावा मैं स्विंग ट्रेड भी देता हूँ हर संडे को, और डाकोस देता हूँ हर सैटरडे को। तो आपको हर तरह के ट्रेड मिलते रहेंगे। अगर आप जॉब करते हो तो मल्टी बैगर स्टॉक होते हैं, सैटरडे को देता हूँ, तो वो उसमें भी ट्रेड कर सकते हो। स्विंग ट्रेड करना चाहते हो वो 1 से 30 दिन के लिए होते हैं, और इंट्राडे रहेंगे वो 1 या 2 दिन के लिए मैक्सिमम रहते हैं, तो आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बता दूं गाइस, अपने जो तीन स्टॉक मैं बताने जा रहा हूँ उसमें पहला स्टॉक का नाम है कोरोमंडल। ये गाइस मल्टी बैगर स्टॉक होते हैं। मैं जो टारगेट देता हूँ वो मिनिमम होता है। अगर आप रिस्क कैपिटाइट अच्छा है, 3 से 12 महीने से ज़्यादा भी होल्ड करोगे तो आराम से, जैसे अल्केमाइन लेवे मैंने खुद ने परचेस किया हुआ था, वो अभी स्प्लिट हो गया था पहले, तो अभी वो 1100 के बाइंग प्राइस है मेरी, अभी वो 4400-4500 चल रहा है। तो ये मल्टी बैगर स्टॉक है, अभी आपको इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सा स्टॉप लॉस लेवल आएगा, क्योंकि बहुत आपका बाइंग प्राइस है बहुत ऊपर चला गया। तो ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक होते हैं। फिर तलना प्लेटफॉर्म था, वो मैंने 60 रुपीज़ में लिया है, वो 900-950 चल रहा है। तो बहुत ऐसे भी स्टॉक होते हैं जो आप आराम से मल्टी बैगर स्टॉक होते हैं अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ये तो मैं 3 से 12 महीने के टाइम ओरिजन इसीलिए टारगेट 1x ही दिया है, लेकिन आप अगर उसको 3-4-5 साल के लिए होल्ड करोगे और आपके फेवर में जाता है तो बहुत अच्छा परफॉर्म देता है मल्टी बैगर। 4x 5x मतलब 10 गुना भी हो सकता है। तो और ये मोमेंटम स्टॉक मैं बता रहा हूँ, इसलिए बहुत जल्दी स्पीड में आपका मतलब प्रॉफिट देंगे। तो पहले स्टॉक का नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल। तो इसमें बाय करने का रीजन क्या है, स्टॉक का नाम यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो एनालिसिस डेट है वो 31 जुलाई 2021 है। और इसमें रीजन ने क्या है बाय करने का कि रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। आपने देखा ही होगा मेरे पुराने वीडियो में, इसको ज्यादा प्रिफर करता हूँ स्विंग ट्रेड में भी। आप देखोगे 3 घंटे की कैंडल या वीकली चार्ट में, तो मैं इसको ज्यादा मतलब प्रिफर, एक मिनट का है जी, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो आपने देखा ही होगा कि मैं ज्यादा इसको प्रिफर करता हूँ, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। आप देखोगे कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, फिर बार बार यही पे क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है, स्टॉक वो लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है। वो लेवल कौन सा है, 832 से 850 के बीच में है। तो स्टॉक देखोगे पिछले 1 साल से वही रेंज में ट्रेड कर रहा है, फिर फाइनली उसने क्या किया, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ऊपर भी गया, उसके साथ स्टॉक नीचे भी आया। स्टॉक नीचे आने के साथ साथ
तो स्टॉक नीचे आने के साथ साथ क्या किया, स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है, आप देखोगे ध्यान से। तो स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक फिर से ऊपर गया। और जो सपोर्ट कैंडल थी, ये देखोगे आप, इसको सपोर्ट कैंडल आप बोल सकते हो, क्योंकि वहीं पे एग्जैक्ट जो उसका पहले सप्लाई जोन हुआ करता था, वो डिमांड जोन बन के उसके हाई के ऊपर ब्रेक किया। आप ध्यान से देखोगे तो एक कैंडल का जो हाई था उसके ऊपर ब्रेक करके स्टॉक ऊपर अच्छे से क्लोज दिया है। तो अपने इसको ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क बहुत कम है और आप देखोगे वॉल्यूम भी अच्छा है। जब भी स्टॉक आप देखोगे पिछले 3 कैंडल तो वॉल्यूम उसका बहुत डाउन था, तो वो बहुत कंफर्मेशन अच्छा होता है। अगर आप एनालिसिस करोगे कोई भी, मतलब रोज मैं जो वीडियो बनाता हूँ उससे आपको पता चल जाएगा। इसमें वॉल्यूम बहुत कम है, जब नीचे आता है तो वॉल्यूम कम है, लेकिन जब ऊपर जा रहा है तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम बहुत अच्छा है। नहीं, जो नीचे आता है इसमें क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन इसमें से क्या हो रहा है, स्टॉक ऊपर जाने के बहुत चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और रिस्क भी बहुत लिमिटेड है, इसलिए अपने इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग है वो सपोर्ट कैंडल विद गुड वॉल्यूम, आपको समझा कि ये सपोर्ट कैंडल है उसके ऊपर है, गुड वॉल्यूम के साथ सपोर्ट कर रहा है, तो ट्रेंड लाइन विल सपोर्ट। उसका मतलब क्या हुआ, अगर स्टॉक यहाँ से 1-2 महीना टिक गए, यहाँ पे समझो साइडवेज चला गया कुछ भी, तो फिर फ्यूचर में क्या होगा, 2-3 महीने के बाद वो कैंडल यहाँ पे टच होगी। अगर इनकेस नीचे आएगा तो उसको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल जाएगा 2-3 महीने के बाद। अगर यहाँ से एक दो महीने में ही नीचे आ जाता है तो मे भी नीचे चला जाएगा, लेकिन अगर टिक गए और तो उसको फ्यूचर में तो कंफर्म हो जाएगा कि ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा। आप देखोगे ट्रेंड लाइन का कितना अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट है, और उसके बाद यहाँ पे भी 1 महीना सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे अगर आ गया 2-3 महीने के बाद कैंडल यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे भी सपोर्ट मिलेगा। तो यानी डबल कंफर्मेशन हो जाएगा कि स्टॉक के ऐसे ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और ये यहाँ पे आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो अपने इसको बाय कर सकते हैं, बाय करने का सिर्फ वही रीजन है कि रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, मैंने आपको समझा दिया। तो बाय एट CMP 918 चल रहा है, बाय कर सकते हो, 1800 का टारगेट रहेगा। SL एग्जिट वीकली क्लोज बिलो 832, 832 के नीचे वीकली क्लोज देना चाहिए आपको, ये समझाया था मैंने। इसके नीचे वीकली क्लोज 832 दे तो अपने इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि ये उसका सप्लाई जोन अभी डिमांड जोन बना है, लेकिन ये रेंज के नीचे ब्रेक करता है 832, वीकली क्लोज देना जरूरी है। तो बाइंग लेवल से रिस्क कितना है, 9.3% है रिस्क, और रिवॉर्ड कितना है, मिनिमम 100% है, क्योंकि ये 3 से 12 महीने के लिए बताया है, इसलिए 100%। वैसे तो ज़्यादा ही होगा अगर आप उसको होल्ड करते हो, आपके फेवर में जाता है तो, क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर है तो रिस्क मतलब रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है, और रिस्क रिवॉर्ड भी 1:11 का रहेगा, और इसमें एक्यूरेसी होती है गाइज वो अच्छी होती है, क्योंकि ये वीकली चार्ट के ऊपर होता है, तो लॉन्ग लॉन्ग मतलब लॉन्ग टर्म में जो चार्ट लॉन्ग टाइम का होता है, जैसे मंथली वीकली, तो उसमें एक्यूरेसी आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें आप देख सकते हो, इसमें क्लियर पता चल जाता है कि, क्योंकि ये वीकली कैंडल होती है तो उससे अपने को पता चल जाता है कि कहाँ पे डिमांड आ रही है, कहाँ पे सप्लाई आ रही है। तो डेली और डेली चार्ट में थोड़ा कम पता चलता है, और हवाली चार्ट में तो वो बिल्कुल पता नहीं चलता, फिर वो इंट्राडे के लिए होते हैं, जब पोजिशनल के लिए। अगर अपने को मल्टी बैगर ढूंढना है तो वीकली चार्ट और मंथली चार्ट सबसे बेस्ट होते हैं। तो बाय कर सकते हो कोरोमंडल को, मैंने आपको एनालिसिस समझा दिया। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है सुप्रीम इंडस्ट्री। सुप्रीम इंडस्ट्री भी आप वीकली चार्ट के ऊपर आराम से देखोगे तो पहली नज़र में आपको पता चल जाएगा कि अच्छे से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे सपोर्ट पे आया है, क्योंकि देखो मैंने ड्रॉ करी है ट्रेंड लाइन, यहाँ पे सपोर्ट, एक सपोर्ट, यहाँ पे दूसरा सपोर्ट, यहाँ पे तीसरा सपोर्ट, अभी यहाँ पे चौथा सपोर्ट ले रहा है, यानी कंफर्म हो गया। जब भी 2-3 सपोर्ट के ऊपर लेता है तो वो ट्रेंड लाइन कंफर्म हो जाती है और स्टॉक वहाँ से रिवर्स करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और आप देखोगे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है हायर हाइज हायर लो, यानी जिगजैग मूवमेंट, वो ऊपर जा रहा है फिर थोड़ा नीचे आ रहा है, यानी प्रीवियस लो है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, देखो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है फिर से ऊपर जा रहा है फिर से नीचे आ रहा है, और अभी एग्जैक्ट कहाँ पे आया है, यहाँ पे उसको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है, और प्रीवियस लो से जो आप अगर रिट्रेसमेंट करोगे वो भी 50% के करीब आया है, यानी यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिट्रेसमेंट भी 50% है और प्रीवियस जो लो था उसके 50% आया और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ से आप कैंडल देखोगे तो ये धीरे धीरे अभी डोजी कैंडल बन रही है, यानी रिवर्स आने के चांसेस ज़्यादा है। आप देखोगे यहाँ पे देखो, एक कैंडल जो थी उसका लो और इसका क्लोज दोनों सेम हो रहे हैं, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट मिल रहा है,
तो यानी स्टॉक के यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आपने इसमें ट्रेड कर सकते हो। साथ साथ आप ADX भी देखो अच्छे से मोमेंटम में, 38 यानी 25 के ऊपर होता है वो स्टॉक, मोमेंटम में होता है। देखो यहाँ से ADX 25 के ऊपर गया था यहाँ से करीब, तो देखो स्टॉक करीब कितना था, 1300-1400 था, वहां से 2100 चला गया, वो भी कितने दिन में, मतलब 1 साल हो गया। तो बहुत अच्छे से मोमेंटम में स्टॉक होते हैं, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो मैंने आपको समझा दिया कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट में है, हायर आई हायर लो बना रहा है, ADX अबाउट 25 मोमेंटम स्टॉक है, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। बाय एट CMP कितना चल रहा है, 2100 चल रहा है, टारगेट 4200 का होगा वो मिनिमम रहेगा, और SL एग्जिट वीकली क्लोज बिलो 1900 क्यों रखा है, अगर इसका लो था आप देख सकते हो 1930 है, लेकिन मैंने थोड़ा वफर रखा है 1.5% का, इसलिए मैंने 1900 यहाँ पे रखा है। तो 1900 के नीचे क्लोज दे तो अपने इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। रिस्क है 9.5%, रिवॉर्ड है 100%, रिस्क रिवॉर्ड है 1:11 का रहेगा, टाइम ओरिजिन रहेगा वो 3 से 12 महीने का रहेगा। तो आप गाइज ध्यान में लेके चल सकते हो कि मेरी जो एनालिसिस होती है वो बहुत इजी होती है, आप अगर समझोगे, मेरे वीडियो देखोगे पुराने हो तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि मैं नॉर्मली किस मतलब प्राइस एक्शन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, और उसके साथ साथ ADX को भी ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, क्योंकि ADX से इजीली पता चलता है कि स्टॉक मोमेंटम में है कि नहीं है। तो ये दूसरा स्टॉक हो गया अपना सुप्रीम इंडस्ट्री। अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है, आप बोल सकते हो वाबाग भी बोल सकते हो, वाबाग या तो वाटेक वाबाग बोल सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पे है ये स्टॉक, और अपने इसको बाय करने का रीजन भी बता दूंगा आपको। देखो सिंपल, आप वीकली चार्ट खोलोगे तो आपको बहुत इजीली क्लियर में समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है। तो इसमें क्या है आप देखोगे तो स्टॉक ने यहाँ पे देखो मैंने ड्रॉ करके रखा, स्टॉक के लेवल पे आया, ये लेवल कौन सा था 335 का था, फिर वहाँ पे रिस्पेक्ट किया और 2 महीना ऊपर गया, फिर से वो फाइनली ब्रेक करके नीचे आ गया। अभी क्या कर रहा है, क्योंकि कोई भी जैसे सिंपल है, कोई भी सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आ जाता है फिर वो उसका रेसिस्टेंट हो जाता है। तो आप देखोगे तो फिर वो क्या किया, 335 के ऊपर गया था, 340-345, फिर से स्टॉक वीकली क्लोज बहुत जरूरी है। देखो आप वीकली क्लोज कहाँ पे दिया, उसके नीचे ही दिया 335 के नीचे, फिर से स्टॉक ऊपर गया, फिर से देखो यहाँ पे भी वीकली क्लोज नीचे दिया, फिर से यहाँ ऊपर गया, फिर लेकिन वीकली क्लोज नीचे दिया और फाइनली स्टॉक यहाँ पे नीचे आ गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ वीकली क्लोज बहुत जरूरी है। सपोज आप गाय गाय में यहाँ पे बाय कर लेते तो वो आपको फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए, फिर आपको यहाँ पे एग्जिट भी करना पड़ता है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत जरूरी है, जब भी स्टॉक जो लेवल के नीचे क्लोज देता है तो वो फिर देखो यहाँ पे आपके बहुत टाइम बच जाता है, अगर यहाँ पे पैसे भी बच जाते हैं, क्योंकि 335 से स्टॉक कितने नीचे आ गया था, 100 के भी नीचे आ गया था, फिर से फाइनली स्टॉक ने अप ट्रेंड चालू किया है और यहाँ पे अभी कहाँ पे है आप देख सकते हो कि उसका 335 का लेवल स्टॉक ने फाइनली ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोज भी दिया है। आप देखोगे यहाँ पे क्या कर रहा था, क्लोज नहीं दिया रहा था, देखो यहाँ पे क्लोज नहीं दिया और वॉल्यूम भी नहीं थी, आप देखोगे तो यहाँ पे क्लोज नहीं दिया वॉल्यूम भी नहीं थे, लेकिन यहाँ पे क्या किया है स्टॉक ने, उसके ऊपर 335 के ऊपर क्लोज भी दिया है और साथों साथ वॉल्यूम भी बहुत अच्छे से है, मतलब पिछले 4-5 साल से इतने वॉल्यूम आया ही नहीं है स्टॉक में, आप देख सकते हैं। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे स्मार्ट मनी आ रहा है ए लेवल पे। स्मार्ट मनी का मतलब क्या होता है कि जिसको भी 335 और 50 के बीच में बाय करना है वो अभी यहाँ पे सारा पैसा, तो सपोज 100 करोड़ उस बाय करना है उसको डालने, तो 100 करोड़ तो क्योंकि वो थोड़ा डालेगा 50 करोड़ जितना तो वो स्टॉक ऊपर चला जाएगा। तो अभी वो क्या करेगा, वो लेवल का राह देखेगा, देखो फिर से नीचे आएगा तो फिर से वो बाकी के पैसे यहाँ पे डालेगा, फिर से स्टॉक नीचे फिर से वो लेवल पे आएगा तो और पैसे डालेगा। तो इसी तरह स्मार्ट मनी बाय करते हैं, तो अभी देखो उसका सपोर्ट भी बन गया है, क्योंकि स्टॉक को देखो ऊपर गया 335 के ऊपर भी 400 तक भी गया था, उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, फिर से थोड़ा नीचे आया 340 तक, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया और फाइनली अभी फिर से ऊपर जा रहा है। तो अपने इसको रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका जो ये रेसिस्टेंट हुआ करता था वो अभी सपोर्ट बनने वाला है, और एक बार नहीं आप देखोगे तो पिछले 2 महीने से यही रेंज में ट्रेड कर रहा है। यानी आप ध्यान से देखोगे तो उसको फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हो, ये पोल है और स्टॉक यहाँ से, देखो मैं आपको समझाऊँ, ये उसका पोल समझ सकते हो आप, और ये उसका फ्लैग है यहाँ से, तो स्टॉक के यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो अपने इसमें रिस्क ले सकते हैं। और रिस्क लेने का रीजन मेन सबसे ज़्यादा ये एक वॉल्यूम है, तो और वो ADX देखो मोमेंटम में 25 के ऊपर है, यानी स्टॉक के यहाँ से ऊपर जाएगा और ये उसका देखो सपोर्ट कैंडल था रेड कैंडल, उसके ऊपर ही क्लोज दिया है
इसने ऊपर ही क्लोज दिया, तो अपने इसको बाय कर सकते हो। तो आपको समझा दिया कि रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट ब्रेकआउट विथ ह्यूज वॉल्यूम और ADX भी 25 के ऊपर, यानी मोमेंटम स्टॉक है। तो बाय एट CMP, CMP कितना चल रहा है, 369.80 चल रहा है, अपने इसको बाय कर सकते हैं। टारगेट 700 और 740 का रहेगा और SL एग्जिट वीकली क्लोज बिलो 335। और रिस्क कितना है आपने देखा होगा गाइस, तीनों स्टॉक में अपना रिस्क है वो 10% के नीचे है, तो पोर्टफोलियो के लिए सबसे बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है, क्योंकि खोने के लिए सिर्फ 10-12% है और आने के लिए 100% है, और अगर होल्ड रखते हो तो आपको आराम से मल्टीबैगर साबित होते हैं स्टॉक। तो रिवॉर्ड अपना रहेगा वो 100% का रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रहेगा 1:11 का रहेगा। टाइम ओरिजन कितना है, 3 से 12 महीने का है, तो आप ये स्टॉक ध्यान में लेके चल सकते हो और आराम से इसमें कमा सकते हो। लेकिन 335 के नीचे गाइज प्लीज, अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ, 335 के नीचे क्लोज दे तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हो, नहीं तो क्या होगा उसका जो पास्ट हुआ था सेम हो जाएगा, तो फिर आप लॉस ज़्यादा कर सकते हो। अगर यहाँ से नीचे क्लोज देता है तो मे बी स्टॉक फिर से 100 रुपीज़ की रेंज में आ सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने को पता नहीं होता कि कौन सा स्टॉक मोमेंटम में जाने वाला है। मे बी 3 में से कोई एक ही स्टॉक चला जाए और 2 में स्टॉप लॉस हो जाए, समझो 2 में स्टॉप लॉस हो गया, यानी 10-10%, 20-25% का लॉस भी आ जाएगा, लेकिन एक कोई स्टॉक होगा वो आपको 1x 2x का रिटर्न देगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने को पता नहीं होता कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपने स्टॉक एनालिसिस करते हैं। और ये प्योरली प्राइस एक्शन के ऊपर है, इसमें फंडामेंटल का कुछ लेना देना नहीं है, तो वो आप ध्यान में लेके चल सकते हैं। अगर कोई ख़राब न्यूज आती है, जैसे अदानी ग्रीन्स मैंने 1020 पे दिया था, कल उसका क्लोजिंग 880 के करीब आया और अपना स्टॉप लॉस 900 था, तो उसमें से अपने एग्जिट कर दिया 10-15% का लॉस लेके, क्योंकि वो उसमें खराब न्यूज आ गया था, आपने पता ही 1 महीने पहले अदानी ग्रीन्स में कितना खराब न्यूज आया था, तो उसकी वजह से वो स्टॉक नीचे आ गए। तो ऐसे स्टॉक में से अपने एग्जिट करेंगे तो उसका होल्ड रखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये एनालिसिस गाइज हो गया मल्टीबैगर स्टॉक के लिए। तो पहला स्टॉक का नाम है आप कोरोमंडल इंटरनेशनल, आप उसको वॉच लिस्ट में लगा सकते हो। दूसरा स्टॉक है सुप्रीम इंडस्ट्री और तीसरा स्टॉक है वाबा। और तीनों में मैंने जो एनालिसिस बताया वो प्योरली प्राइस एक्शन के ऊपर है, इसमें कुछ फंडामेंटल का लेना देना नहीं है, तो वो आप ध्यान में लेके चल सकते हो। और गाइज प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरा एनालिसिस अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना जो लोग नए हैं। और प्लीज़ गाइज कमेंट करके मेरे को बताओ, और मोटिवेट नहीं कर पा रहा है, मतलब मैं मोटिवेट नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि आपके कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, लाइक भी बहुत कम आ रही, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताओ, वीडियो को हो सके उतना लाइक करो, आपका लाइक करने में कुछ जाएगा नहीं, लेकिन मेरे को मोटिवेट होगा और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा आपके लिए। और उससे क्या होगा गाइज, अगर आप वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट करोगे तो उससे मेरा यूट्यूब पे वीडियो थोड़ा ऊपर आएगा तो ज़्यादा लोग के पास वीडियो जाएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि सब्सक्राइबर भी अच्छे बढ़ेंगे मेरे, और जो लोग को ज़रूरत है मतलब फंडामेंटल स्टॉक की, तो उनको भी ये एनालिसिस समझ में आएगा, तो वो भी मतलब लाभ ले सकते हैं। इसलिए गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच गाइज, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। कल मैं एक स्विंग ट्रेड के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा, और वो रहेगा वो 1 से 30 दिन के लिए। तो कल मिलते हैं संडे को स्विंग ट्रेड के साथ। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय।